संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज से पहले देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच फिल्म को लेकर एक्टर नाना पाटेकर ने अपनी राय दी। पाटेकर ने पद्मावत विवाद पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि आप सही फिल्म बनाएंगे तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, आप गलत फिल्म बनाएंगे तो लोग रिएक्ट जरूर करेंगे। अगर आप सही तरीके से सही फिल्म बनाओगे, अगर गलत है तो लोग रिएक्ट होंगे, गलत नहीं है तो रिएक्ट नहीं होंगे। इतनी सिंपल सी बात है। नाना पाटेकर ने आगे कहा कि मेरी फिल्म में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मैंने क्रांतिवीर जैसी फिल्में बनाई। बोल्ड स्टेटमेंट होने के बावजूद उन पर कभी कोई बवाल नहीं हुआ। मेरी फिल्म में कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कभी नहीं। कितने कंट्रोवर्सी, क्रांतिवीर को कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इतने बोल्ड स्टेटमेंट थे। जरूरी है इस बात को याद रखना कि आप फिल्म क्या सोच कर बना रहे हैं। नाना पाटेकर का ये वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। नाना पाटेकर ने ये जवाब अपनी मराठी फिल्म आपला मानुष की स्क्रीनिंग के दौरान दिया। आपला मानुष इसी साल 9 फरवरी को रिलीज होगी। सतीश रजवाड़े के निर्देशन में बन रही फिल्म में बॉलीवुड के अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म में अभिनेता नाना पाटेकर, सुमित राघवन और इरावती हर्षे भी होंगे। बात करें पद्मावत विवाद की तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ये विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण महारानी पद्मिनी का किरदार निभा रही हैं, तो वहीं शाहिद कपूर, राजा रतन सिंह और रणवीर सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में देखा जाएगा।